हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल है हमारे साथ। सर, इस समय पंजाब में एक डेडलॉक लगा हुआ है, करीब 1.5 महीने होने को आए और ट्रेनें पंजाब में नहीं चल रही हैं, कितना नुकसान हुआ है अब तक इससे? जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब में दोनों सरकार, पंजाब की सरकार के साथ भारत सरकार का रेलवे का निरंतर संपर्क बना हुआ है और किसान यूनियनों से भी उच्च स्तर पर बातचीत हुई थी। उसका अभी तक कुछ निराकरण हो नहीं पाया है और अभी तक ब्लॉकेट बना हुआ है। उससे हमारा अनुमान है कि लगभग 2100 करोड़ रुपए का हमें अब तक नुकसान हो चुका है। ये 2 दिन छोड़कर ये स्थिति बनी हुई है 24 सितंबर से लगातार, और हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ट्रेन चला सकें जिससे जो हमारे रेल यूज़र्स हैं उनको हम लोग पूरी तरह से सर्व कर सकें। यात्री गाड़ियां भी रद्द हैं, त्यौहार का पूरा सीजन चल रहा है और काफ़ी त्यौहार बीत चुके हैं, दिवाली बीत चुकी है, कितनी यात्री ट्रेनें इसमें सफ़र कर रही हैं? पंजाब से जो रोज़ 45 ट्रेन या तो शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं या कैंसिल हुई हैं या शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं या डाइवर्ट हुई हैं, तो इस 45 ट्रेन के यात्री जो पंजाब से आते जाते थे वो नहीं आ जा पा रहे हैं। इससे ना सिर्फ पंजाब बल्कि उससे ऊपर जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए कुछ यात्री जो जम्मू तक या कटरा तक हमारी सेवाएं लेते थे, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन सब जगहों के यात्रियों को भी असुविधा हुई है। सर, जिस तरह से पेट्रोलियम, कोयला और अन्य जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनका नुकसान हो रहा है, यात्रियों को दिक्कत आ रही है, तो क्या लग रहा है, कोई उम्मीद दिख रही है ये डेडलॉक टूटने का? देखिए, निरंतर वार्ता बनी हुई है, वार्ता चल रही है और हमें आशा है कि जल्दी ही इसमें कुछ समाधान निकलना चाहिए। और अभी तक लेकिन कोई ये कह पाना कि कब ये डेडलॉक टूटेगा, अभी थोड़ा दिक्कत मुश्किल। मुख्य दिक्कत कहाँ आ रही? पंजाब में जो किसान यूनियनों ने कल जो घोषणा करी है उससे ये लगता है कि वो कह रहे हैं कि आप मालगाड़ी चलाइए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। रेलवे का अभी तक स्टैंड ये रहा है कि हम लोग दोनों सेवाएं इकट्ठे देना चाहेंगे और इसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि वो ब्लॉकेट हटाएं जिससे हम वापस सेवाएं पुनर्स्थापित कर सकें। सर, कोविड को लेकर के दिल्ली में खास तौर से काफ़ी स्थिति बिगड़ी है, गृह मंत्रालय से भी रेलवे की बात हुई थी, किस तरीके से रेलवे दिल्ली में कोविड के पेशेंट्स की मदद करने के लिए आगे आई? दिल्ली में शकूर बस्ती में जैसा कि आपको मालूम है 50 कोचेज प्लेस्ड हैं और उनमें 800 पेशेंट्स की कैपेसिटी है। अभी उसका यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है, 15 पेशेंट्स हैं आज सुबह की स्थिति के अनुसार, और जैसे जैसे वहाँ पे यदि अन्य पेशेंट आएंगे तो हम उनको लेने में पूरी तरह से सक्षम हैं, हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। शकूर बस्ती के अलावा अन्य स्थानों पर भी हमारे पास करीब 210 कोचेज प्लेस्ड हैं जो प्लेटफॉर्म्स पे हैं जिनमें हम पेशेंट्स ले सकते हैं। पहले हमारे 500 कोचेज प्लेस थे लेकिन जब से गाड़ियां बढ़ गई हैं, गाड़ियां चल गई हैं, तो उसके बाद से जैसे आनंद विहार में हमें जो कोचेज प्लेस थे उनको हटाना पड़ा क्योंकि हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई थी, छठ पूजा के लिए विशेष आयोजन किया था, लेकिन यदि आवश्यकता हुई तो हम और स्थानों पर उन कोचेज को रख के कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी 50 कोचेज जो शकूर बस्ती में वो भर जाएं, फिर उसके बाद जो 262 कोचेज टोटल 50 मिला के यानी 212 कोचेज अन्य स्थानों पर हैं वो भर जाएं, तो उसके बाद और अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग और बढ़ा सकते हैं। ये जो 212 कोचेज हैं ये पूरे देश को मिला करके? नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दिल्ली में है, जैसे सफदरजंग में कुछ कोचेज हैं और अन्य स्टेशनों पर कोचेज हैं, आनंद विहार में भी कुछ कोचेज हैं जो प्लेटफॉर्म से थोड़ा हटा दिए गए हैं, जरूरत हुई तो प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं। तो सब स्टेशन मिला के 212 कोच, 50 प्लस 50 कोच जो शकूर बस्ती, यानी टोटल 262 कोचेज प्लेस्ड हैं, टोटल हमारे पास 503 कोचेज हैं, तो यदि आवश्यकता हुई तो हम इस 262 में भी बढ़ा सकते हैं संख्या। आप लोग खुद रेलवे के लिए भी सतर्कता बरत रहे क्योंकि खुद रेलवे में भी काफ़ी संख्या में शुरू में ही मरीज पाए गए थे? हम लोग लगातार अपने ऑफिसेज में स्क्रीनिंग कर रहे हैं जिससे जो कर्मचारी और ऑफिसर्स
जिनको ये किसी वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको हम समय से डिटेक्ट कर सकें, उन्हें बेस्ट चिकित्सा उपलब्ध करा सकें और अन्य जो उनके संपर्क में ऑफिसर्स और स्टाफ काम करते हैं उनको बचा सकें। इसी कड़ी में आज भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है जिसमें मैं स्वयं अभी थोड़ी देर पहले टेस्टिंग करा के आया हूँ और हमारे पूरे ऑफिस की हमने टेस्टिंग कराई है और कल भी एक कैंप चलेगा जिससे हम अपने ऑफिस में जो लोग यदि इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उनको डिटेक्ट करके समय से उनको आइसोलेट कर सकें और ज़रूरत हुई तो चिकित्सा उपलब्ध करा सकें। उसके अलावा हॉस्पिटल में भी NRCH में नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में भी चिकित्सा के उपयुक्त प्रबंध किए गए हैं। जैसे जब ये शुरू हुई थी महामारी तो हम लोगों ने 200 बेड्स वहाँ पे रखे थे जिनमें हम लोग कोविड एक्सक्लूसिव वार्ड बनाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसकी ज़रूरत को देखते हुए ICU की कैपेसिटी पहले कम थी उसको ICU कैपेसिटी को बढ़ाया और उसके लिए सारी जो सपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं जैसे लेबोरेटरी हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, ECG मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें जो है सेपरेट हैं जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हो। एम्बुलेंस भी हम लोगों ने सेपरेट रखी है, स्टाफ और जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो और डॉक्टर्स हैं वो सभी जो है कोविड वार्ड में अलग रहते हैं जिससे वो जब कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं तो नॉन कोविड वार्ड में उनको ना जाना पड़े और कोई कोविड वार्ड से नॉन कोविड वार्ड में जाने के लिए पूर्णतया हम लोगों ने रोक लगा रखी है। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, बाहर निकल के ही जा सकता है व्यक्ति। तो ये सारे हमने इंतजाम कर रखे हैं जिससे हम लोग यदि कोई हमारे ऑफिसर्स या कर्मचारी या जो भी स्टाफ सुपरवाइजर्स जो भी यदि किसी वजह से बीमार पड़े तो हम उनको उनकी देखभाल कर सकें। अभी तक हम लोगों ने लगभग 1400 लोग हम लोगों ने अभी तक क्योर कर दिए हैं वहाँ पे नई दिल्ली में और वहाँ पे हॉस्पिटल में अभी ऑक्यूपेंसी जो है विदिन लिमिट्स है, विदिन कंट्रोल है, आराम से हम लोग जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से होल्ड कर रहे हैं। सर छठ का पर्व चल रहा है, किस तरीके से इंतजाम विशेष किए गए? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा छठ पे हम लोगों ने बहुत ट्रेन चलाई हैं, इस साल पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुनी ट्रेन चलाई हैं और निरंतर हम लोग जो वेटिंग लिस्ट है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल्स मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कल जो ट्रेन्स गई थी और जो आज जाने वाली हैं उनमें ट्रेन्स का ऑक्यूपेंसी ज़्यादातर ट्रेन्स की ऑक्यूपेंसी 85-90 से लेके 110% के बीच में थी। अब ये यात्रियों पे निर्भर करता है कि वे यदि किसी गाड़ी में उन्हें जगह नहीं मिल रही है तो जिस गाड़ी में जगह है उसमें जा सकें, लेकिन जो लोग रिजर्वेशन करा के आ रहे हैं उनको हम लोग मैं कह सकता हूँ कि लगभग सभी लोगों को हम लोग रिजर्वेशन दे पा रहे हैं। आज भी ऐसी कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें स्पेस अवेलेबल है, यदि पैसेंजर्स चाहें तो उन गाड़ियों में अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे के GM आशुतोष गंगल बता रहे थे कि छठ पर 3 गुनी गाड़ियां इस बार चलाई गई हैं, कोविड पर 800 बेड दिल्ली में उपलब्ध हैं, साथ ही साथ पंजाब में जो डेडलॉक लगा है वो शायद अभी भी ठीक होने की गुंजाइश नहीं है, ट्रेनें एक भी ट्रेन पंजाब में नहीं चल रही है, उसका कारण है कि पंजाब सरकार की ओर से रेलवे आश्वासन चाहता है कि हर तरह की गाड़ियों को चलाने की एक साथ सुरक्षा दी जाए। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।